सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि, बोले उनके संघर्ष से कश्मीर है भारत का हिस्सा। 5वीं विधानसभा के चुनाव में मिली हार के बाद दो बड़े नेताओं की टसन ने बढ़ाई पार्टी की टेंशन। अग्निपथ स्कीम को लेकर राजनाथ सिंह करेंगे सलाहकार समिति की बैठक, सांसदों के सवालों से होगा सामना। वसुंधरा राजे पहुंची कन्हैयालाल हत्याकांड के घटना स्थल, कहा यहां के व्यापारी अभी भी जी रहे खौफ के साए में। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, 7 जुलाई को घर से निकलने से पहले जान ले शहर का रूट डायवर्जन प्लान। झारखंड से मदरसों को 6 साल बाद मिली अनुदान राशि, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ मल्होत्रा ने केंद्र को लिखा था पत्र। मुख्यमंत्री योगी ने कहा उत्तराधिकारी व वसीयत का नामांतरण शुल्क 5000 रुपए तक करें। कन्हैयालाल हत्याकांड के 5वें आरोपी मोहम्मद मोहसिन को हथकड़ी लगाने की अनुमति। हरियाणा सरकार का नया कदम, अब सरकारी विभागों की अनुपयोगी जमीन लैंड बैंक में होगी शामिल। सीएम अरविंद केजरीवाल का चौंकाने वाला दावा, दिल्ली विधानसभा भंग कर सकती है केंद्र सरकार। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।